नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, कौन इन दोनों बैंक में से विनर है और किस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है सबसे अच्छी सर्विस देती है, तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, अक्सर अपने देश में जो बैंकें हैं काफी लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं HDFC बैंक और SBI बैंक में। काफी लोग का ये कहना है कि ये जो दोनों बैंक हैं बहुत बड़े बैंक हैं और इस बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाओ तो सर्विस काफी अच्छी मिलती है। बट यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जमीन और आसमान का। दोस्तों, अगर बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में आपका दोनों बैंक तो सर्विस सेम टू सेम देते हैं, बट यहाँ पे HDFC बैंक थोड़ा से आगे निकल जाता है कि HDFC बैंक जो है आपको सर्विस के मामले में थोड़ा से एक दो पॉइंट आगे रहता ही है। SBI कम नहीं है, बट SBI कुछ रूल और नियम अलग है। SBI में ऑफर बहुत कम आते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में, यानी जो कार्ड की सर्विस है इसमें कौन आपको सबसे अधिक दे सकता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ HDFC बैंक के बारे में। दोस्तों, HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जो चाहे कोई पर्सन हो अगर अकाउंट ओपन करवा लिया, अच्छे से बैलेंस मेंटेनेंस किया, तो उसे प्री अप्रूव ऑफर आसानी से मिलते हैं और आसानी से वो क्रेडिट कार्ड पा सकता है बिना किसी इनकम प्रूफ का। और अगर उसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो आसानी से उसे टू व्हीलर लोन, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन तो मिल ही जाता है अकाउंट ओपन करवाने पे। अब यहीं पे SBI बैंक है, तो SBI बैंक ऐसा सिस्टम इनका है कि अगर आप कार्ड जल्दी आपको प्री अप्रूव ऑफर कार्ड तो मिलेगा नहीं, बहुत कम चांस में आपको मिलता है। साथ साथ आपको जो ऑफर है लोन उनका ये भी बहुत कम आता है। यहीं पे अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आपको कार्ड मिल गया है, लिमिट इंक्रीज की बात है तो जल्दी होता नहीं है, जल्दी हर चीज में नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो बहुत कम चांस होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सर्विस की बात करूं तो दोनों बैंक कार्ड की जो सर्विस है दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे कार्ड जो देने वाली बात है विनर के आता है HDFC बैंक। तो इस मामले में आपका जो HDFC बैंक है बहुत आगे निकल जाता है। HDFC बैंक इतना अच्छा है और इतना बेस्ट माना जाता है कि ये बैंक की एक बात, खास बात ये है कि कस्टमर सपोर्ट तो बेस्ट है ही, और इसमें आपका बैंकिंग सेक्टर और भी कुछ अलग अलग है। पेनाल्टी चार्ज लगता है अगर आप अकाउंट मेंटेनेंस नहीं करोगे, और SBI के भी अलग अलग अकाउंट है। इस हाल में आपको सर्विस देने वाला बैंक बेस्ट है आपका SBI और HDFC बैंक। तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, SBI बैंक बेस्ट है या HDFC बैंक बेस्ट है, मुझे जरूर बताना। बाकी मेरा तो सलाह ये है कि मेरे लिए अगर ऑफर देने वाला एक ही बैंक है HDFC बैंक, जो कि ये देता है, बाकी SBI बहुत कम चांस में आपको ऑफर देता है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपका HDFC बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है तो जरूर आप उसे मेंटेनेंस करना, नहीं तो आपको फाइन चार्ज लगेगा प्लस GST भी लगेगा और आपके सिविल में भी इफेक्ट आ जाएगा। तो कोशिश करके आपको ये सब सावधानियां बरतनी है, नहीं आपको बहुत दिक्कत हो सकती है और आपको आगे करके लोन भी नहीं मिलेगा और आपके सिविल में बहुत ज्यादा निगेटिव असर आ जाएगा। चलिए, मैं आपको एक कमेंट का इंतजार करता हूँ। आप ये बताइए कि आपको इनमें से कौन सबसे अच्छा लगता है और आप किस में जाना पसंद करोगे, HDFC बैंक या SBI बैंक। तो बस तय करना था, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर शेयर करना, आपके में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।